हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल वी डबल आई सी में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो लगातार अपडेट मिलती रहे इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस तो करें ही और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 25 अक्टूबर 2021 को ओबीसी से संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई होना थी हाईकोर्ट में, और सुनवाई हुई। काफ़ी अधिक बहस की गई पक्ष और विपक्ष के द्वारा, दलीलें रखी गई, तर्क और वितर्क किए गए। गवर्नमेंट का भी पूरा प्रयास था कि जो स्थगन आदेश है उसको वापस कर लिया जाए, यानी कि स्टे हटा दिया जाए ओबीसी आरक्षण पर, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया और 27% पर रोक को बरकरार रखते हुए अगली दिनांक दे दी है 6 दिसंबर, जिसे कि फिर अंतिम सुनवाई के रूप में माना जा रहा है। हालांकि अंतिम सुनवाई कब होगी ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, और हाईकोर्ट का ये मैटर है, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों, जो वकीलों ने तर्क और वितर्क रखे, दलीलें पेश की, वह दोनों तरफ से काफी मजबूती के साथ रखी गई। जहां गवर्नमेंट ने तुषार मेहता जी, इंदिरा जयसिंह इत्यादि को बुलाया था, बड़े बड़े एडवोकेट्स को बुलाया था, सीनियर एडवोकेट्स को बुलाया था, वहीं दूसरी तरफ से आदित्य संघी और उनके साथ जुड़े हुए सभी एडवोकेट्स ने बहस की। और दोस्तों, जो प्रमुख मुद्दा था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर हवाला दिया गया। तो अब दोस्तों, क्या क्या कार्रवाई हुई है ये मैं आप लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए विशेष अधिवक्ता, जिन्हें कि ओबीसी से संबंधित केस के लिए सुनवाई के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अधिकृत किया गया था, जिसमें रामेश्वर सिंह ठाकुर, जो कि काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और विनायक प्रसाद, तो उनके लेटर हेड पर किस प्रकार की कार्यवाही करना बताई गई थी 25 अक्टूबर को, और क्या क्या हुआ है हाईकोर्ट में, तो आइए दोस्तों जानते हैं इस लेटर हेड के माध्यम से। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये लेटर हेड है रामेश्वर सिंह ठाकुर का, और विनायक प्रसाद दोनों इसमें शामिल हैं। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ओबीसी आरक्षण के समस्त प्रकरणों की आगामी सुनवाई 6 दिसंबर को नियत की गई है, यानी कि अगली डेट दे दी गई है 6 दिसंबर 2021। ठीक है, अब 27% आरक्षण के प्रवर्तन पर रोक से इनकार और अंतिम निर्णय करेगी कोर्ट। आगे है इसमें कि ओबीसी के 13% आरक्षण से संबंधित 42 प्रकरण आज यानी कि 25 अक्टूबर को मुख्य न्यायमूर्ति एवं श्री विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हेतु नियत थे। ठीक है, खंडपीठ क्लियर हो गया कि मुख्य न्यायाधीश उसमें शामिल थे और विजय कुमार शुक्ला जी इसमें शामिल थे। सर्वप्रथम अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि ओबीसी महासभा है जो 27% आरक्षण के सपोर्ट में लगातार प्रदर्शन कर रही है और गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रही है, तो इनकी ओर से दाखिल आवेदन जिसमें आरक्षण के प्रकरणों की सुनवाई करते हुए विशेष बेंच गठित करने की मांग की गई थी, उक्त आवेदन पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए दाखिल इंटरवीन आवेदन खारिज कर दिया गया। और दोस्तों, इस बात पर न्यायाधीश ने विरोध जताया और अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए ये जो इंटरवीन याचिका थी इसको खारिज कर दी। अब आगे है कि माननीय न्यायालय द्वारा किसी भी आवेदन पर अंतरिम आदेश पारित करने से साफ इनकार करते हुए समस्त प्रकरणों को अंतिम रूप से निराकृत करने का आदेश दिया गया, तथा समस्त प्रकरणों की आगामी सुनवाई, जैसा कि मैंने बताया, 6 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि कौन कौन एडवोकेट्स यहाँ पर उपस्थित थे दोनों पक्षों की तरफ से। तो राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों में नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, डिप्टी एडवोकेट जनरल आशीष बर्नाड, दर्शन सोनी ने पक्ष रखा। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन एवं ओबीसी याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, वरुण कुमार चोपड़ा, उदय कुमार, विष्णु पटेल, प्रशांत चौरसिया, पीएन साहू, रामवजन सिंह लोधी आदि ने पक्ष रखा। और याचिकाकर्ताओं की ओर से आदित्य संघी, अंशुमान सिंह, सुएस मोहन गुरु, सुएस ठाकुर ने अपना पक्ष रखा। और दोस्तों, काफी कुछ दलीलें तर्क और वितर्क रखे गए, लेकिन जो मुख्य बात थी वो ये थी कि ओबीसी 27% आरक्षण का जो रोक का मामला है वो अभी हाईकोर्ट ने उस पर रोक बरकरार रखी है, वो 14% पर ही अनुमति दी गई है गवर्नमेंट को। और विशेष बात इसमें ये रही है कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला जैसा हर बार दिया जाता था, इस बार भी दिया गया। तो दोस्तों, देख लें आप ये हाईकोर्ट की थोड़ी सी कार्यवाही का वीडियो।
Indrasani and now the Maratha reservation, the matter is that there was a 14% reservation for OBC and the total reservation of SC, ST and OBC was 50%. Now that 14% was increased by the government on 8-3-2019 by 27%. So the matter travelled to this court and on 19-3-2019 stay order was passed. Now Maharaj, what has happened? Before I come to the merits of the case, because according to me, I am for the petitioner, I am the lead counsel. My lord sir mentioned it in the order sheet, I will be the leading witness. Yes. The matter is squarely covered by Maratha reservation and earlier by Indrasani and before that M.R. Balaji. Now my lord, in my 27 years of practice, I have not seen such type of an IA. An IA has been filed by an intervener dated 21-9-2021. Wherein I would like to read only one line of the last paragraph and that should be removed, my lord, or heavy cost should be imposed in this type of an IA. Because if this is the practice in this High Court, my lord, I'm sorry to say, no matter can be heard. Because what they are saying, my lord, I would like to read only three lines. It says that even in modern civilized societies, like Brahmin, Kshatriya and Vaishya are having centuries old mindset of Varnasam social order. If the judge of the Honorable Court are Brahmin, Kshatriya and Vaishya, collectively called DVIJ, are traditional upholders of the system of Hindu religion, the decision of the present bench of cases will affect the interest of OBC and unserved societies, communities. Therefore, OBC communities and unreserved communities are interested in the present subject matter of the bunch of cases, that the principle of natural justice requires persons belonging to the OBC and unreserved communities cannot be a judge because their communal interest is involved in these cases and therefore new bench should be constituted. My lord, I condemn this type of application in an IA form wherein if this type of derogatory language is being used for the communities, I'm the last person, my lord, to say anything else. But the upper paragraph, paragraph 7, I don't want to read. Paragraph 7 is more derogatory, my lord. This IA is number 9727 of 21, dated 21 September 2021. So before I address my lords on the merits, because the matter is very, very clear,